Yes, let's continue with question number 12. Triangle is given, ABC triangle, and one circle is given. Triangle ABC. This is your D, E, F. This is the center. We have joined this. We have these three perpendiculars. We have got area of triangle ABC as 4 times under the root 3x, x plus 14. This we have got by Heron's formula. Okay, now let's start with area of triangle AOB. This is your AOB. This is your BOC. This is your AOE. इन सबका एरिया फाइंड करते हैं. एक मिनट जरा वेट. सो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB दैट इज हाफ. एक तरीका और है उससे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट हो जाएगा, वो लिख के दिखा रही हूँ आपको. हाफ इंटू ये एक्स था, ये सिक्स, ये सिक्स, ये एट, ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 4 है. अच्छा, ये साइड को हमने A लिया है, दिस साइड वी हैव टेकन एज स्मॉल A, दिस इज स्मॉल B, दिस इज स्मॉल C, तो ये A आ गया, ठीक है. ट्रायंगल BOC का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया दैट इज हाफ बेस, बेस आपका है इसका B और हाइट क्या है 4. इन द सेम वे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. गॉट इट. सो लेट्स एड ऑल दी स्मॉल ट्रायंगल्स टू मेक ट्रायंगल बिगर ट्रायंगल ABC. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर देंगे, 4 इंटू ए प्लस हाफ ऑफ 4 इंटू बी प्लस हाफ ऑफ 4 इंटू सी. इसकी वैल्यू क्या है, अंडर द रूट 4 3x x प्लस 14. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. I have added all the three small triangles to make the bigger one. Take this, take 4/2 common, A plus B plus C. ये cutting करके 2 आ गया. ये क्या है A plus B plus C? That is the perimeter. ये क्या है? ये perimeter है. आपने S find किया था? ये find किया था ना, याद होगा आपको, ठीक है. ये आपका क्या था, ये मैंने फाइंड किया हुआ ऑलरेडी, आपने, हमने उस दिन लास्ट क्लास में किया था, ये आ रहा था ऐसे, ठीक है, ये आ गया था x प्लस 14. इसकी वैल्यू क्या आ रही है, s, मतलब s क्या है, सेमी पेरीमीटर. आपको ये चाहिए ना, तो आप 2 को इस साइड पे ले जाओ, ठीक है, आप 2 को इस साइड पे ले जाओ. आपको ये चाहिए सिर्फ. इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या आएगा बच्चे, ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर आपका x प्लस 14 था, ये आएगा, देखो इधर ये आएगा, ये 2 ये वाला आ गया. सेमी पेरीमीटर आपका x प्लस 14 आ रहा है. आपको आपको ये चाहिए a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 2s, दैट इज इक्वल टू 2s. तो सेमी पेरीमीटर आपका है x प्लस 14, तो इसका ट्वाइस कर दिया. सॉल्व करो अब, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 4 आ जाएगा. यहाँ 3x दैट इज सेम, नो चेंज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 4 विल कैंसिल आउट. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड,
this will come out of the root and this will be x plus 14 whole square. Solve this. Solve this, hurry up. Make square of x plus 14, a plus b whole square. What you are getting? Have you got x as? So this will be your x square 196 plus 28x. Yahan aa raha 3x square plus 42x. Now solve this 2x square minus 14x minus 196 equal to 0. Sorry, yahan plus aayega. Theek hai. Take 2 common, x square plus 7x minus, yeah. Okay, now make factors of this. Ek cheez aur bhi thi, aapne dhyan diya, haan ji bolo to apne, cancel karne ko keh rahe ho? Yes, ma'am, seedha wo cancel ho jata hai. ये एक टर्म सिंगल उससे कैंसिल हो रही है, ये स्क्वायर है, ये सिंगल है, ये कैंसिल हो गया. यहाँ आएगा x प्लस 14, यहाँ आएगा 3x, 2x इज इक्वल टू 14. ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने थोड़ा ध्यान देना है. यहाँ आएगा 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, 2 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x आ जाएगा 7. सो द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ए इज हैविंग लेंथ 7. Is it okay? या डायरेक्ट भी कर सकते हो कटिंग करके, यही आएगा. ठीक है, तो आपने यहाँ पे फाइंड करना है एबी. एबी क्या है? एक्स प्लस 6, तो 7 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 13. और एसी क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 8, दैट इज 7 प्लस 8, दैट इज 15. ये आ जाएगा. इज इट ओके? This question is very very important. ठीक है, ये आता है एग्जाम में, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन. ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस रिजल्ट को आप यूज भी कर सकते हो. ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 13th क्वेश्चन, एंड वन मोर क्वेश्चन नंबर 5 इज पेंडिंग, दैट वी विल डू आफ्टर दिस 13th क्वेश्चन. यस अरमान, रीड करो क्वेश्चन नंबर 13. Yes, ma'am, good to. Ma'am, 13th question, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center of the circle. Can you tell me what does it mean? Kya show karna hai isme? Yes, ma'am, isme ek quadrilateral diya hoga jiske andar ek circle hai. जिसके एंगल सप्लीमेंट्री होंगे सेंटर वाले, सेंटर पे जो ऑपोजिट साइड से एंगल बनेंगे ना, वो शो करना है कि वो सप्लीमेंट्री है. यस, ठीक है. हाँ जी, फिगर बताओ कैसे बनानी है. प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मींस कवर कर रहा है इस तरह से. आपने शो करना है
कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की दे आर फॉर्मिंग सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, मीन दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इसकी भी बात कर रहे हैं और इसकी भी बात कर रहे हैं. यू विल शो वन एट अ टाइम एंड नेक्स्ट वन इज सिमिलर. ओके सो लेट्स गिव इट नेम ए बी सी डी. ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. यू नीड टू शो दैट दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. Give it O. So what you will write in the given? Yes, Aditya. Given bolo. Aditi. What is given? Write down. ABCD is a quadrilateral. Yes, Arshin. ABCD is a quadrilateral. नहीं मैम वो एक्चुअली आप बोल रहे थे ना गिवन बोलो तो मैंने वो गिवन के लिए हैंड रेज किया था. ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. व्हाट इज टू बी प्रूव हियर? एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज 180. टू प्रूव में क्या आएगा? एंगल एओबी plus angle COD is 180, that you need to show. आप दूसरा भी शो कर सकते हो AOD plus BOC is 180. This you have to show. Okay. What you will do for this? As you know that A, B, C, D are external point. If you join these, all these will be perpendicular because they are meeting at the point of contact. Is it so? So what you will do here is you will make construction, join, give it name E, F, G, H. Join O, E, O, F, O, G and O, H. You have to join all these. So in the proof, what you will do? You will consider the triangle, you will consider these two triangles. Actually, you have to consider all the triangle one by one, each pair. But we are talking about these two triangles you will consider. OC, OC is common. Tangent from external point are equal. And these are the radii. Or you can say these two angles are 90. So this can be proved in many ways. So in triangle, OGC and triangle OFC, OC is equal to OC common. CG is equal to CF, tangent from external point are equal. And next one is OG is equal to OF radii. So this implies triangle OGC is congruent to OFC by triple S. Is it okay? So can I say that angle 1 is equal to angle 2? Can I say this? These two angles are equal by CPCT. Is it okay? Now in the same manner, all these pairs are congruent by triple S and all the angles like this, 3 equal to 4, 5 equal to 6, 7 equal to 8. Okay? Similarly, angle 3 is equal to angle 4, 5 is equal to 6, and 7 is equal to 8. Okay? Now, you need to show that the sum of 1 and 8 and 4 and 5 is 180. You need sum of these four angles as 180. We want to remove 2, 3, 6, 7. What you will do, all these angles are making complete angle at the center.
So all these are making supplement, making complete angle, that is the sum is 360, and all these angles are equal. So if you replace one angle by the other, that will make the twice of each angle, and that will give you the answer that we want. So I'm writing here, angle 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 is 360 complete angle. So 1 equal to 2, we want 1, we don't need 2. So replace 2 by 1. We want 4. हम ये शो कर रहे हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल 180 है, तो 4 चाहिए, 3 नहीं चाहिए. रिप्लेस 3 विद 4. वी वांट 5, रिप्लेस 6 विद 5. एंड आई वांट 8 इंस्टेड ऑफ 7, तो 7 की जगह 8 आ जाएगा, इक्वल टू 360. सो दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 इज 360. 1 plus 8 is your DOC, and 5 plus 4 is your AOB, and this 2 will go to another side, that will give you an answer. बच्चे वाई नाइन्थ क्लास इज ज्वाइनिंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स. बच्चे आपको जो मैं आपकी क्लास टीचर ने ग्रुप में सेंड की है ना आईडी, उस पे ज्वाइन कर रहे हैं, दैट्स नॉट माइन. जो ग्रुप में आईडी आई हुई है उस पे ऐड ज्वाइन करो बच्चे आप. इज इट ओके? Any doubt in this question? So one more question is left, that is question number 5. There are again so many ways, but I have got one easy way to do that question. Shall I proceed to the next question? Do you have any doubt in this? Okay. Yes, Aditi, read the 5th question. Proof that perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Yes, listen, beta. In this week, you have your maths test, and I think the test day is Thursday. And I have already sent message in the group, and on this Thursday, you have test of chapter number 5, AP. So be prepared for the test. The test will be in the objective form. Okay. And the timing for the test is 4 to 4:45, I think. Is it so? Don't give me excuses that you have tuitions and all. You have to give the test at on the same time. It will be 10, hardly 10-15 minute test. If you do a lot of practice, then you will be able to finish that in 10 minutes. Okay. Do the test on time, no extra time will be given. And you can arrange your tuitions 10-15 minutes late according to that. Okay, or you can go early also. So in question number 5, you have given, yes, listen to me. You have given a circle. It's very easy. Aapko kehte hain, if the perpendicular is drawn at the tangent, the proof that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle
पासिस थ्रू द सेंटर, आपको कहते हैं आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है बाहर वाले पॉइंट से, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो भी किस पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, किस पे ड्रॉ किया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की है, एंड यू नीड टू शो दैट दिस परपेंडिकुलर मस्ट पासिस थ्रू द सेंटर, यू नीड टू शो दिस. Is it okay? So what you have to show is, you need to show that this CBCO is a straight line. Just this we have to show here. If they are passing, if the, these three points are lying on a straight line, they are passing through the center, that's what we have to show here. Write down given, draw the figure. Draw figure, hurry up. Draw figure. Right given. Write down given, CD perpendicular on AB, CD perpendicular on AB, AB is the tangent. To prove, CD passes through the center of the circle O, CD passes through the center of the circle O. Proof, radius and tangent are perpendicular. This implies COCB is 90 degree. And CD is perpendicular on AB. This implies DCB is again 90. This angle is 90 by the theorem number one. This angle is 90 according to given. So if you add these two angles, so 90 plus 90 is your 180. That means CD, अब straight angle बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? It must passes through the center O. Do you know this thing? Today you have two periods of maths. Last six period is also of maths. ठीक है? So today you have two maths period, fourth and sixth. So you will join again in the sixth period, and I want full attendance in the class, because today we are going to start with the new chapter, that is statistics, and that is very very important chapter, and scoring as well. Yes, listen, in the next chapter, two things are deleted. Jo ogive draw karne hote hain, that is deleted, and step deviation method, both are deleted. Okay, you can check on the CBSE site if you want to check. These two things are deleted, and we will do remaining things. This chapter is entirely calculation based chapter. Long, very long questions are there, so you have to be very particular while solving. If you will be little bit careless, then you will not reach at the answers. So after this, we are going to start with the new chapter, statistics. Done? Any doubt in this chapter? Anything you want to ask here? Is everything clear? Test ke liye acche se prepare karna. Okay, now let's start with statistics. I think chapter number 14. Chapter number 14.
यस. स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं बच्चे? सर्वेस किए जाते हैं. स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं एक तरह के सर्वेस होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, डिमांड को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, सप्लाई को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है इसमें हम मीन मीडियन मॉड जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो रीड करते हैं, जो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताती है कि किस डाटा के अबाउट वैल्यू रिवॉल्व कर रही है. ठीक है, जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ. हम आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स की बात करते हैं, किसी के मार्क्स 42 हैं, किसी के 43 हैं, किसी के 44 हैं, 3-4 स्टूडेंट के मार्क्स 45 हैं, किसी के 46 हैं. तो अब जो इसका सेंट्रल वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट 45 आएगी, क्योंकि 45 जो है वो मैक्सिमम नंबर टाइम्स लाई कर रहा है. और यू कैन से 44 पॉइंट समथिंग आएगी या 45 से थोड़ा सा अबव आएगी, क्योंकि फ्यू ऑफ द वैल्यूज आर लेस देन 45 एंड फ्यू वैल्यूज आर मोर देन 45. तो नियरली यू विल गेट आंसर रिवॉल्विंग अबाउट 45. इट कैन बी लिटल बिट लेस और इट कैन बी लिटल बिट मोर देन 45. सो दैट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन द मैथ्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल. डाटा आप कलेक्ट करते हो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो सेंटर से आती है उसे सेंट्रल वैल्यू कहते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीन मीडियन मॉड. Mean, median and mod, we will discuss each one by them, one of them. Actually, mean में क्या होता है, three methods होते हैं. Mod का एक ही method है, median का एक ही method है, but mean can be calculated by three ways. We have three different formulas, but out of these three, one, that is last formula, step deviation method is deleted. So we will discuss only two methods for finding the mean. So let's start with that. First is your mean, and mean for the mean you have direct method. Direct method is, देखो इधर आपने junior classes में mean का गुरकिरत on your video for a while. Mean के लिए आपने junior classes में sum of observation upon नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला किया हुआ है. इस वीडियो में आप कहां पे हो जो वीडियो ऑन करी है आपने? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने फॉर्मूला लगाते थे आप. इसी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करी उनका सम, जिसको कहते हैं एक्स आई. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब एन, इट कैन बी स्मॉल एन, इट कैन बी कैपिटल एन. तो ये फॉर्मूला आपने इस वे में किया हुआ है, बट उसका जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो ये एक्स समेशन एक्स आई, समेशन मतलब सिग्मा, तो सिग्मा भी कह सकते हैं, समेशन भी कह सकते हैं. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कौन सी है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, उनका सम अपॉन एन करना है. एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उनको डिवाइड करना है. ठीक है, अब ये जो मेथड है ये सिंगल जो सिंगल इंडिविजुअल डाटा दे रखा होता है उसके लिए है, बट इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग टेबुलर फॉर्म डाटा, जो ग्रुप्ड डाटा होता है उसकी बात करेंगे. तो दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क, वी हैव टू डू वन टू न्यू फॉर्मूला फॉर दिस. ठीक है, यही है, इसको और एक्सपैंड करते हुए सिंगल टर्म की बजाय डबल टर्म जिसको ग्रुप डाटा कहते हैं उसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं. देखो इधर कैसे है, इसको लर्न करने का मेथड क्या है. आपके पास x1, x2, x3, xn एंट्रीज है. x1 जो है वो f1 टाइम चक्कर कर रहा है, x2 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, x3 की फ्रीक्वेंसी f3 है, xn की फ्रीक्वेंसी fn. तो ये डबल डाटा हो गया, ग्रुप डाटा. ये आपके xi's हैं, ये आपका fi है. तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने इसका मीन फाइंड करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, एफ वन एक्स वन, इसको मल्टीप्लाई करके एफ टू एक्स टू, एफ थ्री एक्स थ्री, एफ एन एक्स एन. तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम बन जाएगा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एन भी कह सकते हो आप इसको, कैपिटल एन भी कह सकते हो.
ये जो क्लास में गुरकिरत की एंट्री है ये गुरकिरत ही है।